हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन माय चैनल प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। एंड टुडे इज टॉपिक सॉल्व क्वेश्चन पार्ट सेकंड लेसन थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर 10th क्लास। सो लेट्स बी स्टार्ट। क्वेश्चन वन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड, कैन बी ईजीली कट विद ए नाइफ। द सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल। दिस मेटल इजीली कट विद अ नाइफ। नेक्स्ट, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, विच मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टील इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबिलिटी मीन्स मेलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच इन कैन बी बिटन टू फॉर्म इट्स थिन शीट। एक ऐसा मटीरियल या एलिमेंट्स जो बिटन करने पर एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड हैज़ द हाई मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम हैज़ हाई डक्टिलिटी देन गोल्ड। एंड थर्ड क्वेश्चन, वाई इज सोडियम कीप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम इज ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट कैन एक्सप्लोजिवली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड टू कैच फायर। नेक्स्ट, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। रिएक्शन, आयरन रिएक्ट विद स्टीम देन फॉर्मेशन Fe3O4। फेरसो फेरिक ऑक्साइड एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड फेरसो फेरिक ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इन दिस रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम देन फॉर्मेशन Fe3O4 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो आयरन, इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, हाइड्रोजन के पास हैं 2 एंड ऑक्सीजन के पास है 1 मॉलिक्यूल। एंड राइट साइड में आयरन के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3, ऑक्सीजन के 4 एंड हाइड्रोजन के 2। देन आयरन के इधर 1 और इधर 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर भी आयरन के पास 3 हैं और इधर भी 3 हैं, तो आयरन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं, और ऑक्सीजन के पास इधर 1 और इधर हैं 4 हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन में 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। जब हम ऑक्सीजन में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 4 2 8। तो हाइड्रोजन के पास इधर कितने हो जाएंगे, 8, और इधर कितने हाइड्रोजन के पास, 2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें भी हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर कितने होगा, आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स, इधर भी 3, इधर 4 2 8 एंड 4 2 8, हाइड्रोजन के भी 8 है, इधर भी 8 है, एंड ऑक्सीजन के 4 1 4 एंड 4, तो इधर ऑक्सीजन के भी 4 हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो इस तरीके से इक्वेशंस ये बैलेंस। देन नेक्स्ट, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टूज एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम इज सॉलिड मेटल एंड इसमें हम
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करेंगे, तो कैल्शियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में 1, हाइड्रोजन के पास हैं 2, एंड ऑक्सीजन के पास 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड राइट साइड में कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स 1, ऑक्सीजन के पास में 2 एंड हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के और सॉरी और हाइड्रोजन के 2 हैं और 2 ये हैं, तो टोटल कितने हैं 4 हैं राइट साइड में, और इधर कितने हैं 2 हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 4 हो जाएंगे, और इधर भी कितने हैं 4 हैं, और इधर ऑक्सीजन के क्या 1 और इधर 2 हैं, तो हम इसमें भी क्या करा, जब इसमें 2 2 4 हुए तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, यहाँ पर पहले 1 थे और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। द नेक्स्ट, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, देन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, एंड राइट साइड पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का 1 एंड हाइड्रोजन का 1, और इधर ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के राइट साइड में 3। हम क्या करते हैं, इधर हाइड्रोजन के पास 2 हैं और इधर 3 हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम के 2 हो जाते हैं और ऑक्सीजन के भी 2, और 2 1 2 हाइड्रोजन के पास इधर 2 और ये 2, तो टोटल कितने हो जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4, और इधर पोटेशियम के 2 हैं तो हम इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो पोटेशियम के इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, और इधर कितने हैं 4 हैं और इधर क्या हैं सिर्फ 2 हैं, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 4, और इधर इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन में भी, देन तो 2 1 2 तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 2 मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से हम पोटेशियम के 2 की मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।